नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से, और एक बार फिर हम हाजिर हैं बिहार के कुछ सियासी किस्सों और सियासी गपशप को लेकर। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले पासवान परिवार की कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। राजनीति में दल बदलना, अलग अलग पार्टियों में होना, ये अलग बातें हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लगातार रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के रिश्ते में लगने वाले जीजाजी अनिल कुमार साधु अक्सर करते रहते हैं। अनिल कुमार साधु इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस बीच उन्होंने एक बार फिर ऐसी बात कह दी है जिससे दोनों परिवारों के तनाव साफ तौर पर झलकने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा था। दरअसल चिराग पासवान ने जो पिछले दिनों गोपालगंज में एक पुल गिरने की घटना हुई थी, हालांकि पुल नहीं, एक सड़क का एक हिस्सा बहा था, पर फिर भी चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी की तरह नहीं बल्कि एक विरोधी की तरह नीतीश कुमार पर प्रहार कर दिया और कह दिया कि बिहार की जो जनता जीरो करप्शन के बारे में यकीन करती है, नीतीश सरकार से जीरो करप्शन की उम्मीद रखती है, उनके मन में कई तरीके के सवालिया निशान पैदा होते हैं। चिराग पासवान ने इतना तक कह दिया कि इस घटना के दोषियों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब इस पर अनिल कुमार साधु चुप कहां रहने वाले थे। अनिल कुमार साधु ने भी ट्विटर और फेसबुक के जरिए चिराग पासवान पर निशाना साध दिया, और सिर्फ निशाना ही नहीं साधा, चिराग पासवान को रंगा सियार से लेकर के रंग बदलने वाला गिरगिट तक करार दे दिया अनिल कुमार साधु ने। अनिल कुमार साधु ने क्या कहा, इसके बाद अब हम आपको बताते हैं। अनिल कुमार साधु ने कहा कि चिराग पासवान रंगा सियार है। अभी कुछ दिन पहले तक तो चिराग पासवान नीतीश कुमार की चाटुकारिता में सारी हदें पार किए जा रहे थे। अनिल कुमार साधु ने कहा कि रामविलास पासवान खुद नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब सियासी बियाबान में भटक रहे थे तो 1969 में रामविलास पासवान जी विधायक हो चुके थे, वो बिहार विधानसभा के सदस्य हो चुके थे, और अपने इतने वरिष्ठ पिता का भी मान नहीं रखा चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार की चटुकारिता करने लगे। और आज की तारीख में जब एनडीए में उनको भाव नहीं मिल रहा है तो रंगा सियार की तरह वो बयान बदल रहे हैं। हालांकि अनिल कुमार साधु ने कहा कि चिराग पासवान आज की तारीख में ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अनिल कुमार साधु ने कहा कि चिराग पासवान वैसे नेताओं में से हैं जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। इसके साथ ही अनिल कुमार साधु ने लोजपा को वो दिन भी याद दिला दिया जब बिहार विधानसभा में 2005 फरवरी में हुए चुनाव में उनके 29 विधायक चुनाव जीतकर पहुंचे थे और नीतीश कुमार ने लोजपा के अधिकांश विधायकों को तोड़कर अपने पाले में ले लिया था और जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी, जिस सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगा था। चिराग पासवान ने वो दिन याद दिलाया, यानी कि उन्होंने एक तीर से ही चिराग पर भी निशाना साधा और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी निशाना साध दिया। तो ऐसे में जो अनिल कुमार साधु का बयान आया उसने बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से थोड़ा बवाल तो मचाकर रख ही दिया है।